ये रहे देखो, ये कूद गए, ये रहे गौरतन सर भाई। भीड़ इतनी ज्यादा हो रखी है यहाँ पर। ये रहे सर गौरतन सर, ये रहे भाई बेटे सर। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो भाई यार देखो, कल था फ्लाइंग बीच सर का मीटअप है, और वहाँ पर मतलब कि गलत सीन हो गया था। आप लोगों ने सब लोगों ने ना वीडियो देखी होगी। तो भाई यार वो है ना, बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा भाई क्या हुआ था, आखिर क्या हुआ था वहाँ पर। तो यार मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। कल था फ्लाइंग बीच सर का, गौरव सर का बर्थडे, ठीक है। और गौरव सर की मतलब रितु मैम है ना, उन्होंने ना उनको सरप्राइज देने के लिए, बर्थडे सरप्राइज देने के लिए नोएडा की सेक्टर 51 की ना मेट्रो ने पूरी बुक कर ली थी, और वहाँ पर फैंस लोग आ गए थे, मीटअप रख लिया था। तो वहाँ पर क्या हुआ था, धारा 144 लगी हुई थी, और उसकी वजह से ना पुलिस वालों को मेट्रो हो गया था। आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज़ वगैरह में ना। तो भाई सिंपली क्या हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए, ट्रैफिक वगैरह हो गई थी, ठीक है। और वहाँ पर मतलब बहुत सारे एम्बुलेंस वगैरह फंसी हुई थी एक दो उधर ट्रैफिक में, तो उसकी वजह से ना ये वायलेंस फैल गया था, ठीक है। अब यार मैं भी वहाँ पर था उस टाइम, तो ये सारी चीज़ मेरे को पता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ना अफवाह भी फैला रहे इस चीज़ को लेके, ये हो गया, वो हो गया, जेल वगैरह हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो यार देखो सिंपली क्या हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे, उसकी वजह से जाम वगैरह लग गया था वहाँ पर, है ना। उनका जो इवेंट था ना भाई, वो कैंसिल हो गया था। हम लोग वहाँ पर थे, तो पुलिस वालों ने बोला कि भाई इवेंट कैंसिल हो गया, आप अपने घर जा सकते हो। तो मैंने बोला कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने श्योरिटी मतलब पूरी श्योरिटी से पूछा कि सर सच में कैंसिल हो गया या वैसे ही फैंस को भगाने के लिए कर रहे हो आप। तो उन्होंने बोला सही में कैंसिल हो गया है इवेंट, और आज इवेंट नहीं होगा यहाँ पर, मेट्रो का इवेंट कैंसिल हो गया है। तो फिर बाहर गए तो रितु मैम मिली थी, रितु मैम गेट के पास थी। आप लोग पहले ये वीडियो देखो। आप लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी। तो भाई यार इसमें ना रितु मैम बोल रही है कि इवेंट कैंसिल हो गया, आप लोग जा सकते हो। तो उसके बाद हमको भरोसा हो गया भाई, हाँ कैंसिल हो गया। तो उसके बाद का क्या सीन हुआ, तो देखो उसके बाद की क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, बट देखो उसके बाद क्या सीन हुआ था। पुलिस वालों ने ना थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उनको लेके गए थे, मतलब थोड़ा दूर मतलब कि लेके गए थे, बट ऐसा नहीं कि उनको अरेस्ट कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी थी, जैसे कि धारा 144 लगी हुई थी, उसके ऊपर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा कर ली थी, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इशू हुआ था। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि जेल में डाल दिया, वो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग मीम्स वगैरह बनाते हैं, वीडियो वगैरह बना रहे हैं, बहुत सारी वीडियो वायरल भी हो रही है गौरव सर के अगेंस्ट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग है ना अवॉइड कर दो बिल्कुल भी, कि गौरव सर को अरेस्ट कर लिया। और शाम को है ना उनकी एक स्टोरी देखी होगी आप लोगों ने उनके इंस्टाग्राम चैनल पे, कि उनको है ना बर्थडे मना रहे हैं वो। तो आप लोग इस चीज़ से देख सकते हो कि वो सारे लोग तो ये भी वीडियो डाल रहे हैं कि जेल में चले गए वो, ये ऐसा कुछ नहीं था। वो गए थे वहाँ पर और वापस आ, जो फॉर्मेलिटी थी ना वो पूरी करके वापस आ गए थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन रहा था कल। अब ये चीज़ तो गलत है यार, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जेल में चले गए, वो हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये देखो यार मैं ना उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं खुद भी यहाँ पर उनके मीटअप में आ गया, तो सोच सकते हो कि यार मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ उनका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं ना एक्सप्लेन करके करने के लिए बना रहा हूँ कि भाई बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो अभी भी ये सोच रहे हैं कि भाई उनको अरेस्ट कर लिया गया, वो अभी तक जेल में है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो तुरंत वापस आ गए थे हमारे सामने, ठीक है। तो भाई ये वीडियो है ना इसी पर्पज़ के लिए बनाया था मैंने, कि भाई सबको पता लग जाए। और भाई मैं अभी फ़िलहाल हूँ नोएडा के अंदर, नोएडा सेक्टर 62 के अंदर, और आई होप कि आप लोगों को ये जो नॉलेज थे ना वो आपको मतलब ठीक लगी होगी। और ये अफवाह मत फैलाओ कि गौरव सर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया या जेल में डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई अब मिलते हैं भाई अगले वीडियो व्लॉग में, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर कर देना। तो टाटा बाय बाय।